गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वगुरुवरेण्यं कर्तुं यस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मिस्टर शिवाजी कहाँ से हैं? आप सभी का इस लाइव कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ज्योतिष का, तो धैर्यपूर्वक ज्योतिष को पढ़िए। आपके साथ शिवाजी, आप कहाँ से? हाँ जी सर, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। शिवाजी कहाँ से हैं? जी सर, मैं जयपुर स्थान जी सर, से। मैं जयपुर राजस्थान। आप पिछली कक्षा में थे कि आज आप पहली बार बैठे हैं? थे आप? अजित कुमार शर्मा जी, आप कहाँ से हो? पॉइंट्स ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसको तो किसी भी कुंडली पे अगर आप इसको हेल्ड करेंगे तो उसका रिजल्ट आउटकम बहुत अच्छा आता है। इन पॉइंट्स को हमेशा समझ लेना चाहिए, ये कौन से पॉइंट है जिसको अगर हम किसी भी कुंडली पे यूज करेंगे तो उसका आउटकम अच्छा आएगा। ये है आपकी लग्न कुंडली। सबसे पहले बात हमको याद रखनी है कि जो हमारे जन्म कुंडली के भाव होते हैं, तो यहाँ से आपका फर्स्ट हाउस स्टार्ट होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। तो ये भाव जो है स्थिर हो जाते हैं, किसी भी कुंडली के भाव नहीं बदलते, कोई भी कुंडली होगी इसका भाव यही होगा। अब जो नाइन्थ हाउस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। नवम भाव व्यक्ति का भाग्य भाव है, ये उसकी डेस्टिनी है, ये उसके संचित कर्म का भाग। इसमें उस व्यक्ति ने अपना बहुत सारा, आप ऐसे कह सकते हो कि रिजल्ट जो प्रीवियस बर्थ का है, गुड डीड्स का है, स्टोर कर रखा। इसमें जो राशि आपकी आती है, जैसे इस कुंडली में देखिए तो
हमारे पास नवम भाव में जो राशि आई 12 नंबर के लिए। अब आपको ये सोचना है कि 12 नंबर किस राशि को डिपिक्ट करता है। किसी भी जन्म कुंडली में राशियां न्यूमेरिक फॉर्म में लिखी जाती हैं, कभी भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में राशियों को नहीं लिखा जाता। ये एक बहुत बड़ी ट्रबल होती है। ट्रबल इसलिए हो जाती है कि अब आपको 12 देखना है और समझना है कि मीन लिखा है। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ ये 12 हुआ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मीन राशि है। अब 12 नंबर की राशि मीन राशि है। यहां तक समझने के बाद अब आपको ये समझना पड़ेगा इस मीन राशि का स्वामी कौन सा प्लानिट है, ग्रह कौन सा है। 9th हाउस के लॉर्ड को हम लोग भाग्येश बोलते हैं। नवम भाव के स्वामी को भाग्येश कहा जाता है। जैसे इस कुंडली का भाग्येश क्या होगा, मीन राशि का स्वामी है गुरु। जुपिटर इस कुंडली का भाग्येश हुआ। इस कुंडली का भाग्येश जो हुआ वो गुरु हुआ। अब हर कुंडली में एक प्लैनेट जो है भाग्येश होता है। अब जुपिटर इस कुंडली का भाग्येश है, तो अगर गुरु किसी व्यक्ति का भाग्येश होता है तो उसका भाग्योदय 16 वर्ष की उम्र में होता है। ये जो 16 वर्ष है ये क्या बताता है, इससे आप को ये समझना है ऐसे जातकों के जीवन में जीवन का जो स्वर्णिम काल होता है, अच्छा समय होता है, वो जल्दी आ जाता है। उसके लिए आपको वेट नहीं करना, आपको इंतजार नहीं करना। 16 में नहीं आएगा तो 17 में आ जाएगा। अभी ये 16 17 18 होगा कैसे, ये इसके देखो भाग्योदय 16 वर्ष से पहले नहीं होगा। अगर गुरु पूरी तरह शक्तिशाली हो तब इस जातक का भाग्योदय का काल 16 वर्ष की उम्र है। 15 वर्ष कभी नहीं होगा, या तो 16 होगा या तो 17 होगा या तो 18 होगा। अब ये 17 18 कैसे होगा, विलंबित भाग्योदय। अगर इस कुंडली में आप देखेंगे जुपिटर की कंडीशन अच्छी नहीं है। किसी भी ग्रह की कंडीशन कब हम बोलते हैं कि अच्छी नहीं है, इस विषय को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हर 6 8 12 कोई भी कुंडली हो आपके, उसका 6ठा घर 6th हाउस, ये 8वां घर अष्टम भाव और 12, इनकी काउंटिंग जो हम लोग करते हैं ना ये बैड हाउसेस में होती है। ये मनुष्य के जीवन में दुख देते हैं। 6 8 12 दे आर गोइंग टू गिव ट्रबल टू अ ह्यूमन। इसमें कोई ग्रह चला गया तब उस जातक के साथ जो है भाग्योदय में देरी होगी। दूसरा क्या, हम लोगों ने एक समूह पढ़ा था जिसमें अच्छे ग्रहों को पढ़ा था, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह पढ़ा था। तो शुभ ग्रह में अगर आप देखेंगे तो, अशुभ ग्रहों में देखेंगे तो अशुभ ग्रहों में आप ऐसे समझिए राहु केतु। केतु आध्यात्मिक हो जाता है इसलिए इसमें आता नहीं है। राहु के साथ शनि को ले लीजिए, मंगल को ले लीजिए, शुक्र इसमें है नहीं। अब ये जो अशुभ ग्रह का कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि इन ग्रहों की उपस्थितियां उस व्यक्ति के जीवन में हर काम को विलंबित कराती हैं। और वहीं अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो वो आसान कराती है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि जितने प्लानिट हैं भाग्योदय का समय उनके लिए क्या क्या होता है। जो हमारे पास ग्रह हैं वो भाग्योदय का समय निर्धारित कैसे करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य भाग्येश हो गया तब ऐसे में 22 वर्ष की उम्र में भाग्योदय होता है, 22 इयर्स की एज में। चंद्रमा है, चंद्रमा की कंडीशन में 24 इयर्स की एज में। मंगल, मंगल 28 वर्षों की उम्र में भाग्योदय कराता है। बुध 32 इयर्स की एज में भाग्योदय होता है। गुरु 16 इयर्स में। शनि
36 ईयर्स में राहु एंड केतु, अगर ये किसी के भाग्य देखिए विषय में आते हैं तो ये 42 वर्ष में कराते हैं, 42वें वर्ष। अब भाग्योदय से कभी ये नहीं समझना है कि उस व्यक्ति को सारी प्राप्तियां इसी वर्ष में होंगी। कर भाग्योदय से हम लोग बिल्कुल प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि आपके जीवन की सारी प्राप्तियां जो है इस में होंगी, बल्कि भाग्योदय का मतलब है कि उस व्यक्ति के जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ काल आएगा जिसमें काफी कंफर्ट जोन में होगा, या उसके जीवन में उस काल की ऐसी घटनाएं घटित होगी जिससे उसको लाभ होगा, जिससे उसके जीवन में प्रसन्नता हो गई, ये है भाग्योदय का मतलब। तो अब इसमें करना क्या है, देखिए जैसे एक कुंडली मैंने आपके लिए खोली थी, अब दूसरी कुंडली देखिए किसी दूसरे जगत जातक की। ये जो कुंडली बनी है इसमें अगर आप देखें, इस कुंडली में नवम भाव का स्वामी जो है ये है 9th हाउस, यहाँ पे लिखा है 5 नंबर। 5 नंबर की राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है, सिंह राशि का स्वामी होगा सूर्य। तो इस कुंडली का भाग्येश जो है सूर्य हुआ। अब सूर्य की कंडीशन देखिए, यहाँ पे 12वें घर में चला गया। जातक का भाग्येश 12वें घर में जाने जाना ये बताता है कि इनका जो काम होगा वो विलंबित होगा, कोई भी काम इनका टाइम पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके भाग्य भाव का स्वामी 12वें घर में चला गया। अगर सूर्य अच्छी कंडीशन में होता तो 22 वर्ष में भाग्योदय होगा। अब इनका भाग्योदय क्या होगा? क्या कभी नहीं होगा? अब इनको आपको 25 साल में भाग्योदय कराना पड़ेगा। अगर ऐसे जातक से आप पूछेंगे कि क्या आपके जीवन में 22 से 25 के बीच में कुछ अच्छा घटित हुआ था, तो बिल्कुल कहेंगे हाँ मेरे जीवन में ऐसा घटित हुआ था। कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी, जॉब लग गई होगी, इंटरव्यू दिए होंगे, पास कर गए होंगे। इस तरह भाग्येश का प्रिडिक्शन करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई जिसको आप समझ लेंगे तो कुंडली खोल करके देखिए, कोई भी व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेके आता है लेकिन आपके पास उत्तर तो होंगे अगर आपने उस भाग्य व्यक्ति के जीवन के भाग्य भाव के स्वामी की देख लिया और वो अच्छी नहीं है तो प्रिडिक्शन भी आपको बता देना है कि भाई देखो आपके साथ ऐसा घटित हो रहा होगा, तो कहेगा हाँ मेरे साथ ऐसा होता है। और भाग्येश का जो सही समय मैंने बताया उसको आप याद कर लेंगे तो आपके पास एक सही इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ये इंफॉर्मेशन देने से व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा घटित हो सकता है। अब इसमें दूसरी बात जो समझने की है, ये है कुंडली का पंचम भाव, 5th हाउस। ये जो 5th हाउस का लॉर्ड होता है उसको पंचमेश कहते हैं, 5वें घर के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। अब देखिए पहले हमने आपको 9th हाउस पढ़ाया, 9वें घर के स्वामी को नौमेश कहते हैं या फिर भाग्येश बोलेंगे, और पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश बोलेंगे। अब ये 5th हाउस में क्या है? यही है मनुष्य का सेंटर जहां पे आदमी सोचता है। 5वां घर में व्यक्ति के पास प्रेम है, शिक्षा है, संतान है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यक्ति के जीवन में। अब किसी व्यक्ति को प्रेम हो जाए तो उसके जीवन में बहुत अद्भुत बातें होती हैं। प्रेम का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा अच्छी मिल जाए आपको, अब विवाह किया संतान ही नहीं हुई तब तब तीनों तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भाई, तीनों चीजें बहुत आवश्यक हैं। अब
ये प्रिडिक्शन को समझिए इसको। कारण क्या है कि कुंडली तो सब बना लेते हैं एस्ट्रोसिट पे खोल कर, कोई किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे कुंडली बन गई। अब हमको उसको पढ़ना है, रीड करना है। अब हम नवम भाव के को तो रीड करना मैंने आपको सिखा दिया, अब पांचवें भाव को रीड करिए। सो पांचवें भाव का जो स्वामी है उसको बोलते हैं पंचमेश। अब इस भाव का जो फल है इसको बहुत अच्छे से समझिए। जो ज्योतिष के सूत्र होते हैं भाव भावेश कारक, अगर ये आपको समझ में आ जाए, भाव भावेश कारक, इस पॉइंट पे अगर फोकस करना आप जान गए तो आप बहुत कुछ बता देंगे। भाव का मतलब हाउस होता है। कोई अगर प्रेम की चर्चा कर रहा हो, बहुत सारे लोग बहुत चालाक होते हैं, सुन सुन करके याद कर लेते हैं, बाद में कहेंगे कि हमको तो अपने से पता था। तो पंचम भाव जो है, फिफ्थ हाउस जो है, जो फिफ्थ हाउस है, अब उसमें व्यक्ति का प्रेम है। अब इस हाउस का रिजल्ट, जैसे इसका जो रिजल्ट है वो किसके पास है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसके स्वामी के पास है। यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा है, एक नंबर का मतलब हुआ मेष राशि। अब मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। प्रेम शिक्षा संतान जो है ये मंगल के पास है, यही भावेश हुआ। अब कारक, कारक दो तीन हो जाएंगे देखिए इसमें, जैसे प्रेम का कारक शुक्र हो जाएगा, शिक्षा का कारक गुरु हो जाएगा, संतान भी गुरु के पास है। कारक बदल जाते हैं, लेकिन अब अगर भावेश से आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करेंगे। अब देखिए इस कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है मंगल। अब मंगल की स्थिति है कहाँ, यहाँ मंगल है 3 डिग्री का। डिग्रियों में भी एक बात है जो सामान्य से उसको समझ लीजिएगा, 0 से जो 4-5 डिग्री होती है वो बच्चे होते हैं, और फिर उधर 25 के बाद वाली बूढ़े हो जाते हैं। बीच की जो डिग्रियां हैं, मतलब आप समझ लो 5 से लेके 8 तक 10 तक, इसमें कुछ स्ट्रेंथ है। 10 से लेके 15 तक बहुत स्ट्रेंथ है, 15 से लेके 18 तक स्ट्रेंथ है, 18 से 25 तक फिर कम हो जाती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सम राशि और विषम राशि का। तो सम राशि विषम राशि में कंफ्यूज होने से अच्छा है कि अगल बगल में कुछ नहीं है, बीच में ही है सब कुछ, ये समझ लीजिएगा। अगर 26 के बाद वाला ग्रह है तो भी वो बूढ़ा हो गया, और 1 से 5 वाले में कुछ पावर नहीं है। ये 3 डिग्री का मंगल, और वो भी है अस्त। ये देखिए यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है यू, इस सिंबल का मतलब हुआ ये ग्रह अस्त है, और ये ग्रह पहुंच गया है 12वें घर में, 12th हाउस में। इस व्यक्ति को प्रेम में, शिक्षा में, संतान में स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब इनकी उम्र देखें यहाँ पे क्या है, देखिए इनकी उम्र है 91 32। ये आपके प्रश्न पूछेंगे, मेरा प्रेमी चला गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो ये सारा यहीं से आपको पता चलेगा। अब अगर इसको आपको थोड़ा सा ब्रॉड में करना है तो प्रेम के लिए शुक्र को भी चले जाइए मंगल को देखने के बाद। शुक्र देखिए 23 डिग्री का है, और वो भी बुध के घर में है। एक चीज मैंने आप सभी को पढ़ाई थी, बेसिक में था, वो था शत्रु और मित्र राशि। कोई भी ग्रह मित्र राशि में जाएगा अच्छा फल देगा, शत्रु की राशि में जाएगा बुरा फल देगा, स्वराशि में जाएगा थोड़ा सा और अच्छा फल देगा, और उच्च का हो जाएगा बहुत अच्छा फल देगा, नीच का हो जाएगा बहुत कम फल देगा। तो ये 4-5 आखिर याद नहीं करनी कि हम कहाँ से याद करें कि मित्र की राशि में शत्रु की राशि। इसके लिए एक चार्ट होता है ट्रांजिट प्लानिटरी पोजिशन, प्लानिटरी पोजीशन को खोल करके देख लीजिए। अब आपको प्रिडिक्शन करना है प्रेम का, शिक्षा का, संतान का, तो प्लानिटरी पोजीशन खोलिए। अब इसमें प्रेम, शिक्षा, संतान में अगर जाएंगे तो प्रेम के पास आप एक चीज और है, उसको बहुत अच्छे समझिएगा। किसी भी जातक की जो प्रगति होती है वो मून, उसका चंद्रमा बताएगा, बाकी प्लानिट तो बाद में बताएंगे। उसका जो मून है, मून साइन, वो बहुत ही कुछ उस जातक के बारे में बता देता है। इसी वजह से जो राशिफल हम लोग देखते हैं वो मून साइन को देखते हैं। इनका मून साइन क्या है, मून साइन का मतलब मन कैसा है,
अगर कोई किसी जातक का मन बहुत ही स्ट्रांग है तो वो कहीं लगा ले भाई, वो उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। ये मन के विषय में ऐसे समझिए, मन एक ऐसी विषय वस्तु है जो जहां लगा दी जाए वहीं से चमत्कार हो जाता है। मन है क्या, कभी आप सोच करके देखिए, व्हाट इज माइंड, सोचने की शक्ति को ही मन कहते हैं। सो आदमी सोचता कैसे है, जो सोचता वही करता है। अब इसमें मून साइन को आप चेक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मून साइन को हमेशा चेक किया करिए, मून फ्रेंडली साइन में है कि पावर में है कि नहीं है। देखिए ये फ्रेंडली है। चंद्रमा जब अपने मित्र के राशि में जाता है, ऐसी परिस्थिति में जातक के जीवन में बहुत प्रगति होती है। और मून चेक करने के बाद अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो उसका शुक्र जरूर चेक करिएगा। शुक्र है उस व्यक्ति की पत्नी, वाइफ उस व्यक्ति को जितना सपोर्ट करेगी उतना वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा, हमेशा समझ लीजिएगा। अगर जो है शुक्र जो है शत्रु की राशि में चला गया, ऐसे में होता क्या है कि डिबिलिटेड, देखिए इस वाले में तो शुक्र डिबिलिटेड हो गया। डिबिलिटेड का मतलब नीच का हो गया। हम आपको ये चार्ट इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपको कुछ याद नहीं करना कि मित्र के घर में है, शत्रु के घर में, कुंडली खोल करके बैठ के सोचना शुरू कर दिए कि इसका मित्र कौन है, इसकी राशि, तब तो कई घंटे लग जाएंगे आपको। ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप तुरंत तुरंत किसी चीज पे पहुंच जाओ, और धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे कुंडलियों को पढ़ने का तो बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। याद करने का प्रयास कभी नहीं करना, जिस दिन आपने ज्योतिष को याद करके करने का कोशिश करेंगे उस दिन आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि याददाश्त तो भूल जाती है भाई, याद करेंगे तो भूलेंगे। यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन में देखिए, वीनस इनका डिबिलिटेड चला गया, इसका मतलब है कि इनकी पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। शुक्र का पीड़ित होना पत्नी को बीमार भी करता है, वाइफ विल बी सिक। आप सोचिए इस बात को, पत्नी बीमार रहेगी तो घर का माहौल कैसा होगा। शी विल बी ऑलवेज कंप्लेनिंग, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, डॉक्टर के पास चलो। सो हस्बैंड हमेशा डॉक्टर के पास आता रहेगा, जाता रहेगा, उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। अब इसमें एक सावधानी भी बरतनी है, कोई भी महिला अगर किसी ऐसे पुरुष से शादी करे जिसका शुक्र पीड़ित है तो बीमार हो जाएगी। दिस इज प्रिडिक्शन। ये बहुत मतलब आप इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे भाई, आपके पास कोई जातक आता है, कोई व्यक्ति आता है तो आपसे सलाह लेने आता है। अब वो अपने हस्बैंड की कुंडली लेके आ जाए और उसमें देख लीजिए शुक्र पीड़ित है, तो उससे पूछ लीजिए आपकी हेल्थ कैसी है, शादी के बाद आप बीमार रहेंगे ये मान करके जाइए। तो अब इससे होगा क्या, मान लो उसकी इच्छा करेगी भाई विवाह करने की, नहीं नहीं तो आपकी सलाह मान के वो विवाह नहीं करेगी, क्योंकि हमारा काम क्या है, अपने जातक को परेशानियों से बचाना। अक्सर कंपेटिबिलिटी में लोग ये देखना भूल जाते हैं, जिस तरह पुरुष की कुंडली में वीनस को देखना है, ठीक उसी तरह महिला की कुंडली में जुपिटर को देखना है। जुपिटर अगर किसी महिला की जातिका की कुंडली में बहुत पावरफुल स्टेट में है, तब ये ऐसे विवाह जो है ये उनकी संतान भी अच्छी होगी, उनका प्रेम भी अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा समझ के चलिए। गुरु का बलवान होना व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख की गारंटी देता है। पति पत्नी कितना भी झगड़ा करेंगे डिवोर्स जीवन में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उस कुंडली का गाइड गुरु है। जिन भी लोगों के जीवन में अब इसके पीछे का फिलॉसफी तो बहुत लंबी है। अब वीनस को चेक कर लिया हमने, मून को चेक कर लिया, अब हमको चेक करना था भाग्यश। इसके भाग्यश क्या है, इस कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी, इस कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य को चेक करिए, सूर्य जो है अनुराधा नक्षत्र में और फ्रेंडली साइन में है। देखिए यहाँ पे ये है सूर्य, अनुराधा नक्षत्र, फ्रेंडली साइन, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। इस जातक का सूर्य जो है फ्रेंडली साइन में है, तो ये जो 12वें घर में गया है सूर्य, जैसे कुछ सूत्र होते हैं जिसको हमेशा समझ लीजिएगा, अष्टम घर में 8वें घर में सूर्य और चंद्रमा पे कोई दोष नहीं लगता। मतलब 8वें भाव में अगर इस वाले घर में सूर्य और चंद्रमा आ जाए, ये 8वां घर है, यहाँ पे सन आ जाए और मून आ जाए,
ये आठवां घर इनको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता, ये एक्सेप्शनल हो जाता है। इसी अष्टम भाव में अगर शनि आ जाए, शनि अष्टम में हो जाए, तो ऐसे जातक की उम्र बहुत लंबी हो जाती, क्योंकि शनि तो है स्लो प्लानिट, वो जाकर के व्यक्ति की उम्र लंबी बढ़ा देगा। दो पढ़ लिए हम लोगों ने, हम लोगों को मंगल को चेक करना था। मंगल देखिए इस कुंडली के ओन साइन में है। ओन साइन का मतलब जो हम लोग बोल नहीं रहे थे कि पंचम हाउस पे प्रेम शिक्षा संतान, सो प्रेम शिक्षा संतान पे सकारात्मक प्रभाव हो गया, क्योंकि मंगल तो अपने साइन में आ गया, मंगल अपने साइन में आ गया, इसका मतलब प्रेम में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। 6 8 12 में चला गया। अब आप हमें ये बताइए कि शनि की जो दृष्टियां होती हैं, क्या आप लोगों को याद है शनि की कौन कौन सी दृष्टि होती है? आप में तीन से सात किस? दस हाँ जी, तीन सात दस 3 7 10। तीन सात दस सर जी बहुत अच्छा, जी 3 7 10। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझ लो। किसी भी होरोस्कोप का ये जो 3 7 10 है, ये 3 7 10 शनि महाराज जो है स्लो करेंगे। अब किसको किसको स्लो करेंगे उसको चेक कर लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए शनि की स्थिति, शनि यहाँ पे 1 2 3, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, होता क्या है कि ये जो, नाइन नीचे आ हाँ जाएगा जी आगे चला गया क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 दसवें सेवन भाव में चला जाएगा सर, एट, अच्छा दसवें भाव में चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ गया। अब इसमें देखिए हुआ क्या, ये जो चतुर्थ भाव है ये है घर पर माता का, अष्टम है और ये दशम है। दशम भाव ये लाभ का भाव है, हाउस ऑफ बेनिफिट है। शनि की दृष्टि आने से क्या क्या प्रभाव इस जातक के ऊपर आएगा? ये जो हाउस, घर और माता का संबंध है, अपनी मम्मी से इनका जो संबंध है वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनि महाराज ने देख लिया। दूसरी चीज क्या है, अगर आप प्रॉपर्टी का एनालिसिस करने जाते हैं कि इस जातक का घर मकान वाहन, तो ये विलंबित आएगा। ये जो अष्टम भाव के से देख रहा है, अब इसमें भी विलंब होगा, तो इसका विलंब जो है फायदेमंद हो जाता है उसके लिए। अगर कोई कहे कि आपकी आयु जो है बहुत विलंबित होने जा रही है, तो इसका मतलब आयु आपकी लंबी हो रही है, ये तो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, आयु लंबी हो गई। ससुराल से रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता, दहेज कम मिलेगा इनको, ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब लाभ भाव को शनि को देखना, अब शनि ने लाभ भाव को देखा तो वहां भी दिक्कत होगी, काम ज्यादा करेंगे लाभ कम मिलेगा इनको। अब आप अगर इन 5 चीजों को जोड़ लें जो मैंने आज की कक्षा में आपको पढ़ाया, तो एक कुंडली का अच्छा खासा आधा घंटा का विश्लेषण आप कर देंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत में मैंने 2 बिंदु आपको छोड़ दिए, उन 2 बिंदुओं को हम आपको बता देते हैं। कोई भी कुंडली खोलने पे उस कुंडली का सर एक होता है, उसका लग्न और उसकी राशि। ये कुंडली सर जो लग्न की है और सर इस, हाँ जी सर एक्चुअली ये जो सोनी जब रेट्रोगेट होगा तो क्या होगा? रेट्रोगेट सैटर्न। आप 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको बताते हैं। और इसकी राशि जो होती है मिथुन हो जाती है। ग्रहों के विषय में 6 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? ग्रह अस्त है, ग्रह रिट्रोग्रेट है, ग्रह स्वराशि का है, ग्रह मित्र की राशि में है, ग्रह शत्रु की राशि में है। दो और आता है, ग्रह उच्च का है, ग्रह नीच का है। एक और आता है, ग्रह मूल त्रिकोण में है। अब रिट्रोग्रेट, जितने भी प्लैनेट रिट्रोग्रेट होते हैं, रिट्रोग्रेट का मतलब वक्री, हिंदी में कहते हैं। वक्री का जो फिजिकल मीनिंग है वो तो आप समझ लीजिए, वक्री का मतलब होता है उल्टा। कोई भी ग्रह उल्टा चलता नहीं है, आपको लगेगा उस पर्टिकुलर स्टेट में वो लगेगा, जैसे आप एक ट्रेन से जा रहे हो और
अब उस उधर से एक दूसरी ट्रेन आने लगे, दोनों की स्पीड में अंतर हो। अब होगा क्या कि आपकी ट्रेन अगर फास्ट चल रही है, दूसरी ट्रेन भी चल रही है बट उसकी स्पीड स्लो है, तो आपकी ट्रेन आगे चली जाएगी, पीछे वाली ट्रेन को आपको लगेगा कि उल्टी जा रही है। उसी को ग्रहों में हम कहते हैं वक्री हो गया, ग्रह वक्री हो गया। अब वक्री ग्रह के विषय में जो प्रिडिक्शन करना है, क्या प्रिडिक्शन करेंगे वक्री ग्रहों का? वक्री ग्रह मनुष्य के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव लेके आते हैं, अचानक से लगेगा आपका सारा काम ठप और फिर अचानक से आपका सारा काम शुरू हो जाएगा। ये रिट्रोग्रेड का ग्रह, कोई भी ग्रह रिट्रोग्रेड हो जाए उसका रिजल्ट, शनि भी रिट्रोग्रेड हो, जो भी कोई भी हो, उसका रिजल्ट यही होगा भाई, आपके काम जो है रुक जाएंगे, आप रुके रहो, फिर थोड़ी देर बाद फिर चलना शुरू हो जाएंगे। मतलब अचानक आपके जीवन में परिवर्तन होगा जिसकी आपने प्लानिंग नहीं कर रखी होगी। सारे ग्रहों का वक्री का ही, आप ज्यादा किसी के कुंडली में वक्री ग्रह हो जाए तब ऐसे जातक का जीवन बहुत उथल पुथल होता है, कभी वो राजा हो जाएगा, कभी रंक हो जाएगा, कभी सब कुछ चला गया, कभी सब कुछ आ गया। सो वक्री ग्रहों के प्रेडिक्शन जो है अचानक से होते हैं, अचानक वह व्यक्ति जो कुछ सोच नहीं रहा था, परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो आईएएस बन गया, अचानक बनेगा, कई वर्षों से कोई पेपर नहीं निकला था, अचानक से उसकी शादी तय हो गई, शादी हो गई, मतलब अट्रेंडम होगा। वो बैठ करके सोच रहा है उसकी नौकरी चली गई, 10 दिन बाद उसको बहुत बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। सो ये कटिंग का काम करते हैं, अचानक वाले जो ग्रह होते हैं ये व्यक्ति के जीवन में बहुत शॉक वेव्स की तरह आते हैं। ऐसे लोगों को बहुत मनोबल वाला होना पड़ता है, अपना मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए। इतना बढ़ा के रखना चाहिए कि अभी बुरा होगा, इसके बाद और अच्छा होगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना चाहिए वक्री ग्रह के जातकों को। अब शनि वक्री हो जाए, मैंने आपको बताया था ना भाव भावेश और कारक, अब कारक की श्रेणी में ग्रह का प्रेडिक्शन करना है। अब शनि महाराज जो है कर्म के कारक हैं, शनि किसी भी व्यक्ति के जातक की कुंडली में कर्म को बताएगा, व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, काम करेगा भी कि नहीं करेगा। अब अगर शनि रेट्रोग्रेड हो जाता है तो ऐसे जातक जो है काम करने में मन बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति ऐसी हो जाती है कि हम बैठे रहे ऊपर से रुपया गिर जाए। अब ऊपर से रुपया गिर रहा है क्या भाई आशीष जी? नहीं गिर रहा, नहीं गिरेगा, तो गिरता भी नहीं है वैसे, तो ये आलसी हो राहु जाता है। केतु रेट्रोग्रेड क्या रिट्रोग्रेट आपने कर दिया जुपिटर को? तो राहु केतु अगर रेट्रोग्रेड होगा राहु केतु हमेशा रिट्रोग्रेट होते हैं। राहु केतु पे न मत जाइए, राहु केतु महाराज को समझने का प्रयास करते हैं। जीवन में दो चीजें आवश्यक है, क्या आवश्यक है? एक तो हमारे जीवन में भौतिक प्रगति होनी चाहिए और दूसरी चीज है हमारे अंदर आत्मिक प्रगति होनी चाहिए। तो राहु जो है व्यक्ति के जीवन की भौतिक प्रगति है, किसी भी मनुष्य के जीवन मन में जो भी संसार के प्रति आकांक्षा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, वो सब राहु से उत्पन्न होती है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो संसार के प्रति तिरस्कार होता है, संसार के प्रति जो क्या बोलते हैं उसको, ईर्ष्या होती है, आप घृणा कह सकते हैं, घृणा होती है, वो सब केतु से आती है। केतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव का व्यक्ति को रस लेने में बड़ी कठिनाई होगी। राहु जिस भाव में बैठता है उसी भाव में मनुष्य बैठा ही रहता है। अब किसी भी कुंडली में अगर आप देख लो राहु कहाँ बैठा है तो वो व्यक्ति का पूरा नेचर हो जाएगा, केतु कहाँ बैठा है तो वहां से कुछ होगा ही नहीं उसका। जैसे ये वाले जो कुंडली है इसमें राहु केतु को देखिए, राहु कहाँ बैठे हैं महाराज? राहु महाराज लग्न में बैठ गए, ये है व्यक्ति का सिर। इनके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे, ये छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं कर सकते। ये प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आईएएस ऑफिसर, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। व्यापार की भी बात करेंगे तो धीरूभाई अंबानी से कम बात नहीं करेंगे। हाँ कारण क्या है? राहु का ये फंक्शन है, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए ये दूसरी बात है। और इसके साथ एक पॉजिटिव थिंग ये बात जान लीजिए, राहु लग्नस्थ होने पे जातक को बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है, क्योंकि वो नीचे से रहता रहना ही नहीं चाहता, वो हमेशा ऊपर जाएगा, वो बड़ा लंबा लंबा फेंकता है, उसे आप बात करेंगे 5 मिनट तो वो बहुत हवाई किले बना डालेगा। केतु के साथ ये है कि वो जिस भाव में बैठेगा उसके फलों के लिए आपको लड़ा देगा। जैसे केतु इसमें सप्तम भाव में बैठा, सप्तम भाव जो केतु का है ये क्या करेगा बताइए? अरुणा शर्मा जी, न्यू चैट पेंसिल हो गई।
सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु इनके वैवाहिक जीवन को दुखी बना देगा। अब सिर्फ केतु को देख करके डिवोर्स का प्रेडिक्शन नहीं करना है, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत दुखी चलेगा, ये पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अब इसमें देखिए केतु चंद्रमा के साथ आ गया है, 22 डिग्री का मून है केतु जो 18 डिग्री का। ऐसे जातक से अगर आप पूछेंगे कि क्या आपके जीवन में मानसिक तनाव रहता है, तो कहेंगे हाँ, हमेशा पीड़ित रहते हैं मानसिक। आने वाली कक्षाओं में हम दो दो ग्रहों को एक साथ जोड़ करके आप लोगों को प्रिडिक्शन करना बता देंगे। मुझे उम्मीद है आज के विषय में आप लोगों को बहुत अच्छी समझ हो गई होगी। किसको किसको समझ में आया? सर आपने थोड़ा भीड़ में होगा खोलने पर क्या क्या देखने का, वो आपने जो है वो थोड़ा कट हो गया आगे का, वो रेट्रो का क्वेश्चन आया। क्या हो गया? आपने जो उस आप बता रहे थे कि कुंडली खोलने के बाद लगन देखने का और ऐसा कुछ आगे बता रहे थे, बाद में उसमें ब्रेक होके रेट्रो का क्वेश्चन आ गया, इसीलिए वो थोड़ा हाँ, अधूरा बिल्कुल रह ठीक गया। गया। हाँ, हम लोग ऐसा राशि करते हैं देखना कि एक रूल बनाते हैं, जब तक हम बोलना बंद ना करें कोई बोले ना, नहीं तो पता चला कि कहीं से कहीं क्लास चली जाती है, क्योंकि ज्योतिष का कोई अंत तो होता नहीं है। हम आपको बता रहे थे लग्न और राशि। कोई भी कुंडली खोलने के बाद पहले लग्न बतानी है, फिर उसके बाद राशि बतानी है। लग्न का मतलब पहला हाउस में जो राशि है वो लग्न हो गया, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही व्यक्ति की जन्म राशि होती है। अक्सर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि पूरा ज्योतिष पढ़ जाते हैं और पता चला कुंडली की राशि नहीं पता, पूछ रहा है इंटरव्यू देने वाला, बताइए किस राशि की कुंडली बनी है, अब वो बीमार ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल रही राशि। इसका सबसे अच्छा उपाय है चंद्रमा को ढूंढ लीजिए। बीना जी बताइए। सर, अभी आपने क्या बोला वो मिस कर गई। अभी मैंने ये बोला कि कोई भी कुंडली खोलने के बाद कुंडली का परिचय दो से होता है, एक तो उसकी लग्न बतानी है और दूसरा उसकी राशि बतानी है। उसके बाद का मैंने जितना बताया वो सब आप बता देंगे तो कुंडली का प्रिडिक्शन हो जाएगा उनके, आधा घंटा तक कम से बोल सकते हो उसे। सर ये आज के ग्रहों के युगों बारे में में भी कुछ ये, बता हाँ रहे थे, ग्रहों का बता जी, रहे थे कि अस्त होते हैं, कुछ ग्रह स्वराशि में होते हैं, मित्र राशि में होते हैं, ये जो आप जैसे जो केंद्र में बैठे हुए ग्रह होते हैं उनसे भी फर्क पड़ता है। अब जैसे अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की जो पोजीशन होती है किन किन भाव में बहुत अच्छा फल देती है, तो उसमें केंद्र भाव भी आता है 1, 4, 7, 10, पर उसके साथ उसकी ये स्थिति जुड़ी हुई है कि वो मित्र की राशि में, स्वराशि में है, स्वगृही है, उच्च का है कि नीच का है। ये जो ऊंच नीच होते हैं ना, नीच वाले भी कभी कभी राजयोग बनाते हैं, नीच भंग राजयोग, ग्रह नीच में गया उसके बाद भी राजयोग बना डालेगा, तो उसकी भी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो वो सारे भी विषय आएंगे। अभी आज का जो विषय मैंने समेटा था, अगर इस वीडियो को आप दोबारा भी देख लेंगे तो कोई भी कुंडली खोल करके 20 मिनट उस पर आप आराम से उस व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे, वो उसको समझेगा। हमें क्या सीखना है, हमें कभी भी ज्योतिष को याद नहीं करना, हमें उसे समझ समझ के चलना है। समझ समझ के चलेंगे तो उसमें गलतियां कम होगी और आपको ज्योतिष बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये पूरा इंटरेस्ट का विषय है, जितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे ना उतना रस टपकेगा। अच्छा, ऐसे ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, और इसको जल्दी जल्दी चलेंगे तो बिल्कुल नहीं, एक भी स्टेप नहीं चलेंगे तुरंत गिर जाएंगे। सो सर अभी और दोबारा कहाँ किसी से को, देंगे सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगा ना अजित कुमार शर्मा जी आप कहाँ से हो? सर? मैं जयपुर से ही हूँ, अच्छा, आपका भाई भी नहीं ज्वाइन किया था, वो कहाँ है अभी, कहाँ वो शिव कुमार जी हैं सर मेरे भाई, अभी बात की है? थी ना अच्छा, वो। नीचे। अच्छा हाँ वो रूम में बैठे हैं बाहर। अच्छा अमन भी हैं, पार्थ जी। बाकी के सर विषय हम रिकॉर्डिंग लोग कहाँ अगले मिलेगी अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे, आज का विषय हम वीडियो अभी थोड़ी देर सर? इम्प्रूव सर करेंगे, दोबारा देख लेंगे। सर बोलिए, रिकॉर्डिंग मिलेगा? रिकॉर्डिंग तुरंत मिल जाएगा, अभी 10 मिनट बाद ना ये वाला रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको ठीक हम है ठीक है यूट्यूब ठीक है, नहीं यार अभी तो मिलेगा ना, कोई यूट्यूब पे प्रॉब्लम अपलोड करके लिंक दे देंगे, आप तुरंत उसको देखिए, दो तीन बार देख लीजिए। नहीं, ठीक है। इसी हाँ वजह सर से रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने का एक विशेष पर्पज जो होता है कि उस क्लास को एक दो बार देख लीजिए, एक बार एक दो बार देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और छोटे छोटे चीजों को पकड़ने की कोशिश करें, लंबी चीजों को पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। कमर सीधी करके बैठिए। अमन जी दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आप अपने हाथ को खड़े बिल्कुल ना करें। सर एक क्वेश्चन था मेरे आपको को। तो मैंने कहा ना, क्वेश्चन का उत्तर दिया, आप दोनों हाथ जोड़िए। शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आप शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति।
ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति ओम शांति 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 सर्वादिषु शांति विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशिव यद्भद्रम तन्ना शिव ओम शांति। अमन जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ सर, मिल तो गया, पर सर थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन था, पर्सनल था। आपका आपका कनेक्शन ठीक से नहीं बैठा। मैंने कहा ना दोनों हाथ जोड़िए, भगवान से जुड़िए, तुरंत आपके अंदर से आ गया हो तो क्वेश्चन। फिर से अभ्यास करिए एक बार।